वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी अड्डा प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो मैनेजमेंट का वीडियो 2 था उसको देखने वाले हैं, जिसमें जो है हम इंजीनियरिंग की स्टडी की कैसे की जाती है वो देखेंगे। प्रोसेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल और एग्रो इंडस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम मैनेजमेंट का वीडियो बनाएं तो आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक तो ज़रूर से ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देख के लाइक नहीं किया करते हैं, जो कि उनका सिर्फ एक सेकंड जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। तो प्लीज़ आपसे अपील है कि आप लाइक किया कीजिए। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो 1 में तो हम देख चुके थे कि किस तरह से जो है सो उसका सारा प्रोसेस था, और आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग की स्टडी किस तरह से की जाती है। इसमें इट मेनली डील्स विथ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, मशीन और डिवाइस। इसमें जो है ये जो है मेनली जो काम करता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर पे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग की स्टडी जो हम करेंगे तो ये जो मेनली जो काम करेगा ये डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन के स्ट्रक्चर पे काम करेगा, और इस तरह से जो है डिवाइस के ऑपरेशन और स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि बहुत सारे जो है हमारे बहुत सारे ब्रांच हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं बहुत अलग अलग ब्रांच के हैं, क्योंकि पढ़ना तो सबको कॉमन सब्जेक्ट ही है। तो देखिए, सिविल रिलेटेड इंडस्ट्री कौन में क्या होती है, जो होती है काम क्या होता है, तो वर्क ऑफ प्लानिंग, इसमें जो वर्क ऑफ प्लानिंग होता है, इसमें सिविल रिलेटेड इंडस्ट्री में होता है वर्क ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। आप देखते हो सिविल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो, जैसे इमारत बनाना, घर बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, यही सब वो कंस्ट्रक्शन, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, अपने जो है सो डिजाइनिंग करते हैं। तो इस तरह से जो है सो सिविल रिलेटेड इंडस्ट्री, इसमें सिविल रिलेटेड इंडस्ट्री में ये सब काम आता है। इसी तरह से मैकेनिकल रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या काम करना पड़ता है, तो मैकेनिकल रिलेटेड कंपनी में, इंडस्ट्री में वर्क्स ऑन डिजाइनिंग, इसमें डिजाइनिंग का काम करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है और स्ट्रक्चर का काम करना पड़ता है। तो मैकेनिकल जो भी स्टूडेंट रहते हैं वो डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का काम करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, तो इनका काम है इट इंक्लूड डिफरेंट पावर जनरेशन, ये जो है डिफरेंट पावर जनरेशन को इंडस्ट्री डिजाइनिंग एंड डिफरेंट डिवाइस फॉर पावर ट्रांसमिशन, और अलग अलग जो है डिवाइस से पावर ट्रांसमिशन करते हैं। अब देखिए फिर, इट रिलेटेड इंडस्ट्री वर्क ऑन अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, आईटी रिलेटेड कंपनी, आईटी का मतलब समझिए फ्रेंड्स, आईटी का मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो डेवलप करती है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप करती है, जो कंप्यूटर कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गई, तो वो क्या करती है, वर्क ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड कंप्यूटर, मतलब इसमें जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड काम करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फोसिस हो गई, सिस्को हो गई, ये सब जो है एक आईटी कंपनी है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके इनके बारे में देखिए कि किस तरह से जो है इसका कैंपस लिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं, पहला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले फ्रेंड्स बता देना चाहते हैं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होता है, जैसे आप देखते हो कि गाय का जो हम दूध लेते हैं, पेपर लेते हैं या फिर चीनी लेते हैं, उसको किस तरह से एक गन्ना का जो है गन्ना रहता है उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग की जाती है गाय के दूध पे प्रोसेसिंग करके, और उसको क्या किया जाता है, गाय के दूध पे प्रोसेसिंग करके और उसको हम कर देते हैं मिठाई बना देते हैं। एक शुगर को जो है, एक ईख को जो है, ईख पर हम प्रोसेसिंग करके उसको क्या कर देते हैं, शुगर बना देते हैं। तो यही लिखा है, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज डिफरेंट प्रोसेस ऑन द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें डिफरेंट रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो है हम फाइनल प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। इस तरह से हम पेपर इंडस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। अब चलिए हम जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब आप सीधा सीधा सिंपल शब्दों में समझिए, तो टेक्सटाइल का मतलब वही होता है जो कपड़ों से संबंधित हो इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री डील्स विद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट का जो है ये डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे आप बहुत बड़ा बड़ा कंपनी देखे होंगे, बॉम्बे डाइंग, ये जो है इसका फेमस आता है
चादर वादो, बेडशीट बेडशीट, रायमंड्स हो गया, रायमंड्स का बहुत अच्छा कोट आता है, शर्ट आता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी है जिसका जो है बहुत सारा चीज़ आता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री तो पढ़ ली है, इंडस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, और ये जो है भारत का सबसे पुराना इंडस्ट्री है क्योंकि इसकी स्थापना 1853 में ही कर दी थी। कौन की थी? तो कावस जी पारसी जो है मुकेश अंबानी जी के पिताजी, वही उन्होंने ही की थी मुंबई में। इट इज़ प्राइमली कॉटन बेस्ड बट टूडे कॉटन पोलिस्टर सिंथेटिक टेक्सटाइल ब्लेंडेड फैब्रिक जो है आर द मटेरियल फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये जो है आजकल कॉटन का भी यूज करने लगा है, सिंथेटिक का भी यूज जो होने लगा है इस मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्रीडोमिनेंटली कॉटन बेस्ड, ये जो है पूर्णतः जो है कॉटन बेस्ड जो है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब देखिए इसमें कुछ जो है सो कंपनीज है जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिनका, और जो अपना कपड़ा बनाती है वो है बॉम्बे डाइंग, रायमंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, रायमंड है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब देखिए केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, तो केमिकल इंडस्ट्री से फ्रेंड्स आप सही समझे होंगे, केमिकल वही होता है जिसमें केमिकल चीज़ तैयार की जाती है। इसमें है दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री कन्वर्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट, एयर, मेटल्स इनटू डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स। इसमें जो नेचुरल गैस को हम जो है सो कन्वर्ट करके, मान लीजिए एलपीजी गैस निकाल लिए, सीएनजी गैस निकाल लिए, इसी तरह मेटल्स है, मेटल्स का उपयोग करके हम अलग चीज़ बना लिए, मान लीजिए कि मेटल को कन्वर्ट करके एक गाड़ी बनवा दिए, इस तरह से है। अब जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो केमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जैसे सीमेंट का बोरा है, तो सीमेंट का बोरा भी क्या है, एक मिट्टी से बना के उसको सीमेंट बना दिया गया, तो ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। इसी तरह से इसका जो है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ये जो है भारत की ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है। इट हैज़ वेरियस सेक्टर, इसके जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं, पेट्रोकेमिकल जिसमें दवाई वाई, पेट्रोकेमिकल जिसमें पेट्रोल बनाया जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल, ड्रग्स मतलब जिसमें दवाई वाई बनाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। एग्रोकेमिकल भी इसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका जो एग्जांपल है रिलायंस है, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सब जो है केमिकल इंडस्ट्री का ही उदाहरण है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एग्रो इंडस्ट्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स एग्रो इंडस्ट्री जो है दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री डील्स विथ द सप्लाई प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर का जितना भी चीज़ होता है उसको कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए एग्रीकल्चर का चीज़ जैसे कि सरसों का तेल तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरसों को लेते हैं और उससे हम तेल बनाते हैं, तो यही हो गया। उसके बाद हम जैसे लेते हैं जूस, जैसे बहुत सारी कंपनी जूस बनाती है, तो वो क्या करती है सेब को और संतरा को, आम को लेके उससे जूस बना देती है। तो इस तरह से जो है इसका एग्रो इंडस्ट्री का काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।